भारतीय मुस्लिम समुदाय दशकों से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक प्रभावी नेतृत्व की कमी है, जिसके कारण समुदाय में प्रगति और विकास की कमी हुई है। बड़ी संख्या में शिक्षित व्यक्तियों के होने के बावजूद मुस्लिम जनता ने अक्सर संकीर्ण दृष्टि वाले धार्मिक नेताओं या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां समुदाय अपनी बुनियादी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हो पाया है। तेजी से बदलती आधुनिक दुनिया के साथ कदम ताल मिलाने के लिए यह भारतीय मुसलमानों के पुनर्जागरण का वक्त है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम मुस्लिम राजनीतिक परिदृश्य से अक्षम नेताओं को हटाना और उन्हें जनादेश के साथ सशक्त शिक्षित व्यक्तियों के साथ बदलना है समुदाय के मामलों में नेतृत्व करने के लिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुसंख्यक मुसलमानों के सामने जो वर्तमान दयनीय स्थिति है वह सालों की उपेक्षा और शोषण का परिणाम है जो खुद केंद्रित धार्मिक नेताओं और आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया है, जिन्होंने अपने हितों के लिए समुदाय को हेरफेर किया है। यह समुदाय के नेतृत्व को उन लोगों से पुनः प्राप्त करने का समय है जिन्होंने लंबे समय तक इसका शोषण किया है। मुस्लिम समुदाय का बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का समृद्ध इतिहास रहा है। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने और समुदाय के लिए एक नया भविष्य बनाने का समय आ गया है। शिक्षा प्रगति की कुंजी है और यह जनता को शिक्षित करके ही है कि समुदाय वास्तव में समृद्ध हो सकता है। हमें अपने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया में मुसलमानों द्वारा कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। उदाहरण के लिए ट्यूनेशिया में क्रमशः 726 और 732 में कैरो और जायतोना के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। कडोबा विश्वविद्यालय 786 में अदालूसिया में स्थापित यूरोप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। मोरक्को के फीस में 859 में स्थापित कराइबियन विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो अभी भी सक्रिय है। गुजरते सालों के साथ भ्रष्ट और अक्षम नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा हासिल की गई उत्कृष्टता का पतन किया, जिसके कारण आज मुसलमानों की दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज शिक्षा और उत्तरदायित्व को अपनाने से हम अपनी चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और एक ऐसे समुदाय का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समृद्ध, न्यायपूर्ण और न्यायसंगत हो। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम आपराधिक पृष्ठभूमि की धार्मिक संबद्धता के बजाय गुणों के आधार पर शिक्षित और जवाबदेह नेतृत्व का चयन करना है। इंसावारसी, दस्तक लाइव न्यूज़।